दोस्तों नमस्कार, क्रिकेट इंडिया की एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। क्रिकेट का महासंग्राम यानी टाटा आईपीएल 2024 की नीलामी का इंतजार सभी भारतीय क्रिकेट फैंस बेसब्री से कर रहे हैं, जहां पर 19 दिसंबर को भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:30 बजे से दुबई के कोका कोला एरिना में हमें टाटा आईपीएल 2024 के मिनी ऑक्शंस देखने को मिलने वाली है। और ऐसे में बीसीसीआई और आईपीएल में पार्टिसिपेट कर रही 10 की 10 टीमों ने जोरों शोरों से अपनी तैयारियों की शुरुआत करके सभी ने अपने स्पेशल प्लान स्पेशल ऑक्शंस स्ट्रेटेजी यहां पर आईपीएल 2024 की नीलामी के लिए बना ली है। और बीसीसीआई ने अभी से काफी टाइम पहले ही कंफर्म कर दिया था कि आईपीएल 2024 की नीलामी में कुल 333 खिलाड़ी पार्टिसिपेट करेंगे। 1116 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, शॉर्ट लिस्ट में 333 खिलाड़ियों को बीसीसीआई ने डिसाइड किया है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाली है उन टॉप 10 खिलाड़ियों के बारे में जिनके ऊपर आईपीएल 2024 की नीलामी में करोड़ों रुपए की बरसात होने वाली है। और नीलामी से पहले ही कहीं ना कहीं इन सभी खिलाड़ियों को नई टीम हमें यहां पर लगभग फिक्स्ड सी ही नजर आ रही है। यानी भाई ऑलरेडी यहां पर नीलामी से पहले ही फ्रेंचाइजियों ने डायरेक्ट इन खिलाड़ियों से कॉन्टैक्ट करके डील कर ली है, कौन कौन ये खिलाड़ी है, क्या क्या प्राइसेज इनको आईपीएल के नेक्स्ट एडिशन में मिलने वाली है, सभी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो आपका समय यहां पर बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे, डायरेक्ट अपने टॉपिक पर आते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आईपीएल 2024 की नीलामी को लेकर बीसीसीआई की तरफ से हमें ऑलरेडी बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट देखने को मिल चुकी है, जहां पर बीसीसीआई ने आधिकारिक तौर पर कंफर्म कर दिया है कि कुल 333 खिलाड़ी नीलामी का हिस्सा होंगे, जिनमें 214 भारतीय खिलाड़ी होने वाले हैं, 119 ओवरसीज खिलाड़ी होने वाले हैं, 2 खिलाड़ी एसोसिएट नेशन से पार्टिसिपेट करेंगे, 116 यहां पर कैप्ड खिलाड़ी है, 215 यहां पर अनकैप्ड खिलाड़ी होने वाले हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं उन टॉप बड़े खिलाड़ियों की लिस्ट के बारे में जो मतलब जिन्होंने नीलामी से पहले ही यहां पर फ्रेंचाइजियों के साथ डील कर लिए, नई टीम उनके में पहले ही पता चल रही थी। यहां पर पहला और सबसे बड़ा नाम यहां पर निकल कर आ रहा है भारत के वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर का। जी हां, लास्ट आईपीएल एडिशन के दौरान यह खिलाड़ी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स का हिस्सा था। और भाई आपको पता है 10.75 करोड़ रुपए के एक हैवी अमाउंट में केकेआर की टीम ने इस खिलाड़ी की सर्विसेज को एक्वायर किया था। लेकिन जिस टाइप का परफॉर्मेंस इस खिलाड़ी से इस टीम ने एक्सपेक्ट किया था वैसा परफॉर्मेंस ये दे नहीं पाए थे। जी हां, बॉलिंग ऑलराउंडर के नाम से इस खिलाड़ी को जाना जाता है, लेकिन बल्लेबाजी में तो कुछ कमाल यहां पर जरूर किए थे। गेंदबाजी में टोटली एक फ्लॉप सीजन हमें लास्ट एडिशन इस खिलाड़ी का देखने को मिला था, जिसके चलते आपके यहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम लास्ट एडिशन में इस खिलाड़ी को अपने स्क्वाड में शामिल करके काफी ज्यादा पछताई थी। जी आपको बताना चाहूंगा कि लास्ट एडिशन के दौरान कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने शार्दुल ठाकुर को दिल्ली कैपिटल्स टीम से ट्रेड के जरिए 10.75 करोड़ रुपए में अपने स्क्वाड में इस खिलाड़ी को शामिल किया था। इस खिलाड़ी का पिछले साल का जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड है उसको भी आप सभी लोग स्क्रीन पर बिल्कुल क्लीन एंड क्लियरली देख पा रहे हैं, जहां पर लास्ट एडिशन में इस खिलाड़ी ने कुल 11 मैच खेले थे, जिनमें भाई 7 विकेट निकाले थे, 10.5 की हाई इकोनॉमी से इस खिलाड़ी ने रन लुटाए थे, जिसके चलते केकेआर की टीम ने इस खिलाड़ी को रिलीज कर दिया। लेकिन अब किस टीम में जाएगा यह खिलाड़ी, बड़ा सवाल यहां पर सभी के सामने है। तो भी हम आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शंस पर थोड़ी सी नजर डालते हैं। तो भी इनका जो मतलब ऑक्शन जो प्रोसेस था उसको आप सभी लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जहां पर चेन्नई सुपर किंग्स, पंजाब किंग्स और आपके यहां पर दिल्ली कैपिटल्स तीनों टीमें इस खिलाड़ी को लेकर फाइट में थी। एट द एंड 10.5-11 करोड़ रुपए में दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने वहां पर बाजी मार दी, उसके बाद ट्रेड के जरिए केकेआर टीम में यहां गए थे। लेकिन दोस्तों अब की बार इनकी नई टीम यहां पर लगभग कंफर्म है, जहां पर चेन्नई सुपर किंग्स टीम एक बार फिर से इस खिलाड़ी को अपने स्क्वाड में शामिल करने के लिए अपनी पूरी तैयारियां कर चुकी है। जहां सीएसके ने ऐलान कर दिया है कि 8-10 करोड़ रुपए का पर्स बैलेंस उन्होंने यहां पर ऑलरेडी शार्दुल ठाकुर के लिए बना लिया। वही दूसरी तरफ पंजाब की टीम भी हर हालत में इस खिलाड़ी को अपने स्क्वाड में शामिल करने के लिए अपना पूरा एटी चोटी का जोर लगाने वाली है। लास्ट आईपीएल नीलामी के दौरान भी इस खिलाड़ी पर पंजाब ने अच्छा खासा पैसा लगाया था, कुछ रीजंस के चलते परचेस नहीं कर पाए थे। लेकिन दोस्तों अब की बार कहीं ना कहीं पंजाब या फिर चेन्नई, इन दोनों में से कोई एक टीम यहां पर डेफिनेटली इस खिलाड़ी को अपने स्क्वाड में शामिल कर लेगी। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड प्लेयर के बारे में। तो सेकंड प्लेयर है, यह भी ऑलराउंडर हर्षल पटेल की मैं बात कर रहा हूं, जो लास्ट आईपीएल एडिशन के दौरान टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का हिस्सा था। इनका प्राइस भी बिल्कुल सेम था, 10.75 करोड़ रुपए में यह खिलाड़ी टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का हिस्सा बना था। लेकिन दोस्तों इस खिलाड़ी ने इस टीम के लिए अच्छा परफॉर्मेंस भी किया, लेकिन उसके बावजूद आरसीबी की टीम ने इस खिलाड़ी को अपने स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया, रिलीज कर दिया, क्योंकि भाई आरसीबी टीम को पर्सनली ऐसा फील हो रहा था कि भाई जो इनका प्राइस है थोड़ा सा ओवररेटेड है, थोड़ा सा ज्यादा प्राइस है, जिसके चलते रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ने अपने पर्स बैलेंस को खाली करने के लिए इस खिलाड़ी को अपने स्क्वाड से निकाल दिया। जी हां, लास्ट एडिशन का इस खिलाड़ी का जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड है उसको आप सभी लोग स्क्रीन पर बिल्कुल क्लीन एंड क्लियरली देख पा रहे होंगे, जहां पर लास्ट एडिशन में इस खिलाड़ी
ने कुल 13 मैच खेले थे, 14 विकेट्स निकाले थे, 9.6 की इकोनॉमी से यहाँ पर इस खिलाड़ी ने रन लुटाए थे। लेकिन अब की बार आईपीएल के नेक्स्ट एडिशन के लिए इस टीम ने इस खिलाड़ी को रिलीज कर दिया। थोड़ा सा हम लास्ट ऑक्शन पर नजर डालते हैं, आईपीएल 2022 में जब मेगा ऑक्शन हुए थे वहां पर सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर इन दोनों ही टीमों के बीच इस खिलाड़ी को लेकर तगड़ी फाइट हुई थी, लेकिन एट द एंड आरसीबी ने यहां पर बाजी मारी। लेकिन अब की बार इस टीम को, इस खिलाड़ी को कौन बुला रहा है, तो भाई यहां पर एक और बिल्कुल सपाट, बिल्कुल सीधा नाम निकल कर आ रहा है, लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम इस खिलाड़ी पर अपना पूरा दम, मतलब जितना का पर्स बैलेंस है सारा पर्स बैलेंस लगाने के लिए तैयार रहने वाली है। इसके लिए भाई दो तीन रीजंस होने वाले हैं। फर्स्ट रीजन तो ये कि भाई इनको एक ऐसे भारतीय गेंदबाज की जरूरत चाहिए जो थोड़ी मतलब स्लोवर गेंदबाजी कराता हो, यानी भाई क्योंकि आपको पता है लखनऊ की जो पिच है थोड़ा सा मतलब स्लो पिच रहती है, जिसके चलते जो मीडियम पेसर है थोड़ी सी ज्यादा कामयाब वहां पर होते हैं स्लोअर पिच पर। हर्षल पटेल को यूज, मतलब हर्षल पटेल बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी कराते हैं, जिसके चलते टोटली यहाँ पर इस खिलाड़ी के ऊपर लखनऊ की टीम कंसंट्रेट करने वाली, और मुझे पर्सनली ऐसा फील हो रहा है, गट फीलिंग आ रही है कि डेफिनेटली आईपीएल के नेक्स्ट नीलामी में टीम लखनऊ सुपर जायंट्स का हिस्सा में हर्षल पटेल देखने को मिलने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरे बड़े खिलाड़ी के बारे में, तो यह खिलाड़ी है आईपीएल 2024 की नीलामी की आन बान शान, जी मैं बात कर रहा हूं मिचेल स्टार्क के बारे में। ऑस्ट्रेलिया टीम के वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर, सीरियसली इन्होंने T20 फॉर्मेट में, ODI फॉर्मेट में, टेस्ट फॉर्मेट में जो अपने नाम किया, जो इन्होंने आंकड़े बनाए हैं, जो इन्होंने रिकॉर्ड बनाए हैं, उनकी जितनी तारीफ की जाए सीरियसली कम रहने वाली है। आईपीएल के सीजन थोड़े से कम इन्होंने यहां पर जरूर खेले, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में धमाल करके दिया है। लेकिन बड़ी खुशखबरी है कि आईपीएल 2024 की नीलामी के लिए भी इस खिलाड़ी ने बीसीसीआई के पास 2 करोड़ रुपए के बेस प्राइस में रजिस्ट्रेशन कराया है। हालांकि इस खिलाड़ी के जो आईपीएल के आंकड़े, उनको आप सभी लोग स्क्रीन पर बिल्कुल क्लीन एंड क्लियरली देख पा रहे होंगे, जहां पर आईपीएल इतिहास में इस खिलाड़ी ने कुल 27 मैच खेले हैं, 34 विकेट्स निकाले हैं, 7.1 की इकोनॉमी को इस खिलाड़ी ने सीरियस जबरदस्त इकोनॉमी को मेंटेन किया है। लेकिन भाई कौन यहां पर कॉल कर रहा है, किसका फोन यहां पर इस टीम के, इस खिलाड़ी के पास गया है, तो भाई पहले कंफर्म होगा कि 5 फ्रेंचाइजियों ने आईपीएल के लिए इस खिलाड़ी को अप्रोच किया था, जहां पर भाई बड़ी बड़ी टीमों के नाम थे। लेकिन किस टीम में जाएंगे ये खिलाड़ी, चेन्नई सुपर किंग्स के सीईओ ने ऐसा बोला कि भाई हम भी यहां पर अपना पूरा जोर लगाएंगे इस खिलाड़ी को अपने स्क्वाड में शामिल करने के लिए। उन्होंने खुद ओपन माइक पर ऐसी बात कही थी, भाई हमने हमारी मैनेजमेंट को बता दे कि आपको मिचेल स्टार्क के साथ जाना है, दूसरी तरफ केकेआर की टीम भी अपना पूरा पैसा लगाने के लिए तैयार बैठ, तीसरी तरफ आपकी गुजरात टाइटंस की टीम के पास भी उनको ओनली एक मतलब एक अच्छा फॉरेन पेसर चाहिए, जिसके लिए उनके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत बड़ा पर्स बैलेंस है, जिसके चलते वो भी यहां पर पूरा इन्वेस्ट करेंगे। चौथी टीम यहां पर आपकी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर होने वाली, लेकिन मुझे पर्सनल जो फीलिंग आ रही, मुझे पर्सनली जो लग रहा है वैसा लग रहा है कि कोलकाता नाइट राइडर्स या फिर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, इन दोनों में से किसी एक टीम में हमें आईपीएल के नेक्स्ट एडिशन में मिचेल स्टार्क खेलते हुए नजर आने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगले प्लेयर के बारे में, तो अगले प्लेयर हैं ऑस्ट्रेलिया के वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर पैट कमिंस, जी हां 2 करोड़ रुपए बेस प्राइस है, लेकिन ये बेस प्राइस कहीं ना कहीं कम रहने वाला है, क्योंकि भाई इस खिलाड़ी पर 10 करोड़ 15 करोड़ रुपए तक की बोली लगने वाली है। जी आपको बताना चाहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया के वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर, जिन्होंने आईपीएल में बड़े बड़े कमाल करके दिखाए हैं, आईपीएल की फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी का रिकॉर्ड इस खिलाड़ी के नाम है, जी हां 14 गेंदों में इन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई थी, गेंदबाजी की धार से आप सभी लोग ऑलरेडी यहां पर अच्छी तरह से वाकिफ है, तो ऐसे में यहां पर आपको पता है सीरियसली इस खिलाड़ी के ऊपर दबाकर इन्वेस्टमेंट होने वाले, लेकिन कौन करेगा सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट, तो ये भी सबसे बड़ा सवाल है। तो भाई गुजरात टाइटंस टीम का नाम यहां पर निकल कर आ रहा है, क्योंकि भाई गुजरात टाइटंस टीम ने अपने कप्तान को हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस के साथ ट्रेड कर दिया, ऐसे में बिल्कुल लाइकली टू लाइकली रिप्लेसमेंट, यहां पर बिल्कुल सेम टू सेम रिप्लेसमेंट हमें पैट कमिंस के रूप में देखने को मिल रही है। और मुझे पर्सनली ऐसा फील हो रहा है कि भाई यहां पर मिचेल स्टार्क से भी ज्यादा पैसा इस खिलाड़ी को आईपीएल 2024 की नीलामी में मिलने वाला है, बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में अक्सर इस खिलाड़ी की तरफ से हमें कमाल लाजवाब शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, जिसके चलते भी मुझे पर्सनली ऐसा फील हो रहा है कि भाई डेफिनेटली यहां पर आपकी यही टीम, आपकी गुजरात टाइटंस की टीम इस खिलाड़ी के पीछे जाने वाली। और भाई मैं फिलहाल प्रेडिक्शन कर रहा हूं, मुझे बिल्कुल कंफर्म ही लग रहा है कि आईपीएल के नेक्स्ट एडिशन में गुजरात टाइटंस टीम का हिस्सा पैट कमिंस होने वाली है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले प्लेयर के बारे में, तो अगले प्लेयर है शाहरुख खान, जी पंजाब किंग्स टीम में लास्ट एडिशन में यह खिलाड़ी 9 करोड़ रुपए में बिका था, लेकिन दोस्तों अब की बार अपने पर्स बैलेंस को खाली करने के लिए इस खिलाड़ी को इस टीम ने अपने स्क्वाड से बाहर निकाल दिया, रिलीज कर दिया इस खिलाड़ी का, जो आईपीएल परफॉर्मेंस आप सभी लोग स्क्रीन पर बिल्कुल क्लीन एंड क्लियरली देख पा रहे होंगे, जहां पर आईपीएल के इतिहास में इस खिलाड़ी ने कुल 33 मैच खेले हैं, 20.6 की एवरेज से 426 रन यहां पर बनाए हैं, ओवरऑल यहां पर एक अच्छा परफॉर्मेंस है, लेकिन एक फिनिशर की अच्छी भूमिका निभाते हैं, इनका स्ट्राइक रेट सीरियसली काफी जबरदस्त यहां पर है, जिसके चलते अब की बार यहां पर आपकी मतलब दो तीन टीमें इसके ऊपर डेफिनेटली कंसंट्रेट करेगी। लेकिन सबसे बड़ा नाम यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स का
निकल कर आ रहा है। इसके दो तीन रीजन है। सबसे पहले तो भाई चेन्नई की टीम को उनकी खिलाड़ी अंबाती रायडू की रिप्लेसमेंट की जरूरत है, जिसके लिए यह खिलाड़ी बिल्कुल फिट वहां पर उस लोड पर बैठता है। और भाई उसके अलावा आपको बताया तमिलनाडु का लोकल बॉय तो चेन्नई की बीच पर शानदार लाजवाब परफॉर्मेंस करके दे सकता है, जिसके चलते चेन्नई की टीम ने पहले ही ऐलान कर देगा आईपीएल की नीलामी के दौरान सीएसटी की टीम डेफिनेटली इस खिलाड़ी के ऊपर अपना कंसंट्रेट करेगी। लास्ट आईपीएल ऑक्शन में भी जब यह खिलाड़ी ऑक्शन में आया था उस वक्त पर चेन्नई सुपर किंग टीम ने इस खिलाड़ी को अपने स्क्वाड में शामिल करने के लिए पूरा जोर लगाया था। पंजाब और चेन्नई आपस में तगड़ी बिडिंग वार इन दोनों फ्रेंचाइजियों के बीच हुई थी। एट द एंड 9 करोड़ रुपए में पंजाब ने बाजी मारी, लेकिन अब की बार यहां पर सीएसके टीम इस खिलाड़ी को अपने स्क्वाड में शामिल करने वाली है। तो दोस्तों यह है टॉप 5 खिलाड़ी जिनकी टीमें यहां पर आईपीएल की नीलामी से पहले ही लगभग कंफर्म सी नजर आ रही है। लेकिन आपको क्या लगता है किस टीम में जाएगा, कौन सा खिलाड़ी कौन बिकेगा सबसे महंगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल किसी मच इतना ही, ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब करके इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।